तो अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि हम वर्क में लास्ट क्लासेस में दिया था। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट परसेंटेज देना था, और इंक्रीमेंट परसेंटेज जो है इस कंडीशन से है जो ऊपर दिया हुआ था कि अगर ये डेजिग्रेशन के हिसाब से मैंने सर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है सर, प्रॉब्लम। कर दिया, मैंने भेज दिया है, तो इसके हिसाब से आप इंक्रीमेंट परसेंटेज दिया हो चाहिए। तो इसके लिए आपने वी लुकअप और मैच इस्तेमाल किया, इंडेक्स और मैच इस्तेमाल किया, और ऑफसेट और मैच भी कर सकते हैं। बात आती है कि इसके लिए मुझे डेटा को काउंट करना पड़ेगा कि इस एरिया में डेटा होना ही चाहिए, इसके अलावा मैंने की रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो हमें डेटा इस पे नहीं रखना पड़ेगा, हम कहीं और रख सकते हैं, मतलब इसके अंदर में फॉर्मूले के अंदर ही डेटा हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि इक्वल इफ, और मैं इसको सिलेक्ट करके बोलता हूँ कि भाई इन्वर्टर कोमा में यहाँ पे अप टू डीएम। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें दिक्कत ये आ गई कि भाई वन हो तो अगर या सी कॉलम में सी थ्री, यहाँ पे एक और कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ सी थ्री इज इक्वल टू वन तो 0%। पांच कंडीशन देने पड़ेंगे, मतलब कि 5 3 15 इफ लगाना पड़ेगा। क्या करण जी, करण जी, विक्की जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ पे तीन तीन डेजिनेशन है, और तीन डेजिनेशन के लिए हर डेजिनेशन के 5 स्लैब्स है। अब 5 स्लैब्स अगर आप देते हैं तो 5 3 15 कंडीशंस हो गए, मैं 15 इफ लगाने पड़े। लेकिन 15 इफ को मैं 3 इफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रेटिंग है ये रेटिंग 1 to 5 है और सिक्वेंस में। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि चूज। चूज फॉर्मूला क्या करता है सुनील जी, पता है वो चूज फॉर्मूला क्या करता है? हाँ सुनील जी, पता है आपको चूज फॉर्मूला क्या करता है? मैं नहीं सर, नहीं पता। अब यही तो बात है, चूज फॉर्मूला आपको पता नहीं है। चलिए पहले चूज फॉर्मूला पढ़ाना पड़ा पड़ेगा आपको। ठीक, क्या होता है कि अगर मैंने वहां वन लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया चूज, चूज अगर ए यहाँ पे दे दिया कि जैन और फैब दो इनपुट है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि अगर ए नंबर वन हो तो जैन दिखे, नंबर टू हो तो फैब दिखे। तो टू होगा तो फैब दिखेगा, वन होगा तो जैन दिखेगा। तो चूज क्या ओके सर, करता है कि इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर लेता है, अगर पहला नंबर वन हुआ तो पहले पहले वाली इनवर्टर कॉमा की जो वैल्यू है वैल्यू वन शो करती है, अगर दो है दूसरी वैल्यू शो करती है, थ्री है तो तीसरी वैल्यू शो करती प्लीज। ओके सर, समझ गया जी है। समझ गए ना? तो अगर आप जी चूज सर। लगाएंगे तो आपको इफ लगाना पड़ेगा ना कि इफ इक्वल टू वन तो जैन हो, फिर हाँ दो टू थ्री। हाँ तो अगर लेकिन कि बाउंडेशन क्या है, अभी ये जान गए तो बेनिफिट जान गए तो बाउंडेशन भी जानी है कि आपका इनपुट जी सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि 1 है 10 है 20 है 30 है तो वर्क नहीं करेगा। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि इफ मैंने बोला कि अगर ये इक्वल टू हमारा डेजिनेशन है अप टू डी एन, तो फिर हम चूज दिए यहाँ पे चूज, और यहाँ पे वन कॉमा, और फिर हम परसेंटेज देते चले गए 0%, 3%, 4%, 4%। 5% और 6%। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया? और फिर कॉमा देंगे कि अगर ऐसा नहीं सर हुआ अप टू डीएम नहीं है तो फिर मैंने बोला कि तीसरी कंडीशन लगाओ कि इफ अगर ए इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है एम एमजीआर जी आर एमजीआर टू एस आर जी है तो सेम फॉर्मूला, टूज का फॉर्मूला चलेगा। दूसरा फॉर्मूला सर। चलेगा, और यहाँ पे हम सिर्फ अपना फिगर को चेंज कर देंगे।
मजे। हाँ तो ऐसे में आप तीसरा ऐसे तरह से लगा सकते हैं। तो 15 इफ को हमने 3 इफ में बांट दिया ना सर, 15 इफ को 3 इफ में बांट दिया। अगले जीरो चूज के बदल। तो यहाँ पे देखिए वो यही हम आपसे बात कर रहे थे कि आपको अगर सही तरीके से नॉलेज नहीं है तो आप गलत तरीका चूज करो। मैं भी आप बोलेंगे सर ये आपका मैच इंडेक्स और वीलुकअप से क्या परफेक्ट है? जी नहीं, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी भी बाउंडेशन है कि आप इसमें भी कंडीशन क्यों लगाओगे जब आपके पास 3-4-5 डेजिनेशन होगा तब। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 डेजिनेशन है तो 100 डेजिनेशन में आप 100 इफ लगाना, 100 चूज लगाना, इट इज क्रिटिकल। क्या सर? तो उस केस में हमारा ई ए हमारा बेनिफिशियल है जी सर, क्योंकि अगर हम मान लीजिए मैनुअल लगा देते हैं तो फिर हमें चेंज भी तो करना पड़ेगा ना परसेंटेज। जैसे यहाँ पे देखिए कि मुझे चेंज करने के 3 जगह चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कल के डेट में पड़ा कि आपको जीएम को एक अगर रेटिंग 1 आती है तो मैं 1% का इंक्रीमेंट देने वाला हूँ, तो मुझे 1% यहाँ भी चेंज करना होगा, 1% यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और इसके आगे भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 100 के जगह 100 इफ आप लगा भी लेते हो, कल के डेट में कोई चेंजिंग हुआ तो 100 जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाते समय इन फॉर्मूला के जरिए अगर किसी रिपोर्ट को आप ऑटोमेट करते हो तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अभी तो आप मेहनत करोगे बाद में पता चले कि और ए जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मुझे इसको हटा के मैनुअल या किसी और तरीके से ढूंढना होगा, तो आपको फ्यूचर भी देखनी पड़ेगी। समझ गए? ओके, तो करण जी हमारी लास्ट क्लास में सम इफ हो गया था या होने वाला था? आपने वीडियो शेयर की थी सर। चलिए तो आज आज आपके साथ हम सम इफ पढ़ते हैं, फिर हम सम इफ पे कल कुछ क्वेश्चन आज सम इफ को पढ़ लीजिए और फिर अगली क्लास में सम इफ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करने के बाद सम इफ क्या होता है इस बारे में जानेंगे। सम विद कंडीशंस, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे सैलरी का टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला सम का और यहाँ पे सैलरी का टोटल ले लूंगा, तो ओवरऑल आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे आईटी के सैलरी का टोटल चाहिए, आईटी का सैलरी का टोटल, तो यहाँ पे मुझे सम इफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सम इफ। और सम इफ में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, आईटी को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, माफ कीजिएगा मैं गलत कर गया, सॉरी सर, सुबह से क्लास ले रहा हूँ, रात भारी हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्राइटेरिया डिपार्टमेंट को लूंगा और मैं यहाँ पे लूंगा अपने क्राइटेरिया को और फिर मैं लूंगा सम रेंज को, मतलब कि पहले किस में मैच करेगा, क्या मैच करेगा, और मैच करने के बाद फिर सम किसका करना है। 3 चीजें इसको चाहिए, हमने दे दिया, तो हमारा सिर्फ आईटी का, क्योंकि ये सम ने ओवरऑल दिया और सब इसने एक पर्टिकुलर कंडीशन भी दी। मैं एक और लगा बताता हूं, अगर मुझे सेल्स चाहिए इक्वल सम इफ, और जहां तक मुझे अंदाजा है ये फॉर्मूला आपको आता होगा सुनील जी एंड बाकी लोग, आता है आपको फॉर्मूला? जी सर सम इफ आता है सर। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नई चीज सीखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, वेट कीजिए। आपके मान लीजिए कि मुझे ओवर टाइम का टोटल चाहिए, इसी कंपनी ने बोला कि भाई ओवर टाइम हमें हम देते हैं तो हम ओवर टाइम पे हम टीडीएस काटेंगे, लेकिन या फिर मान लीजिए कमीशन 2% एडमिन कमीशन काटना है, अगर मान लीजिए कि, लेकिन हम सब फिर हम चाहते हैं कि अगर जिसकी सैलरी जिसकी ओवर टाइम 5,000 से ऊपर है उसको 2% चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे पता सर,
क्या बोलो बताइए सर, म्यूट करने के लिए बोलिए ना बाकियों को, बहुत नॉइज आ रहा है बैठे। अच्छा ठीक है, अभी अभी हमदा जी गुड इवनिंग सर, दुआ है आपकी जिंदा है और आगे भी रहेंगे। सर अभी आपकी आपकी 10 बजे क्लास में बैठा हूँ, अब मैसेज नहीं मिला था क्या? ओके, तो आप मॉर्निंग क्लास क्यों ले लेते हैं? बताइए 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 बताइए, मैं राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शंस, व्यू क्लासिक, डिस्प्ले क्लासिक, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट होगा। पिवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले क्लासिकल पिवट टेबल। सॉरी सर, उदय जी थे आप ही के बैच के थे, ऑफिस में ही है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। ठीक है सर, तो यहां पे हमारे पास तो मुझे मुझे सम करना है लेकिन ग्रेटर देन 5000 का। तो यहां पे हम करेंगे इक्वल सम इफ, और सम इफ में हम ओवर टाइम को सेलेक्ट किए और हमने यहां पे ग्रेटर देन 5000 को लिख दिया। अब यहां पे दो चीजें आती है, पहली चीज कि मैंने यहां पे सम रेंज नहीं लगाया। तो याद रखिएगा, अगर आपका सम रेंज और क्लासेस रेंज, क्लासिक सम रेंज और रेंज आपका क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है, सम रेंज डालने की जरूरत नहीं है, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में है, तो बड़ी ब्रैकेट इसी चीज का इंडिकेटर है कि दिस इज ऑप्शनल। दूसरी कि ग्रेटर देन 5000 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे 5000 लिखूं, मैं ग्रेटर देन नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो एक नंबर था इसे लगा लिया, लेकिन जहां मुझे लगाना है ऐसे बहुत सारे नंबर थे, सबको जाके मुझे ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सम इफ में जाए और सम इफ में जाने के बाद अपना इसमें क्या बोलते क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया, और मैं यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जो भी देना चाहते दे दिया, और मैंने कॉनकेटेनेट कर दिया 5000। तो ऐसे आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू को यूज कर सकते हैं। तो शरद जी, विकी जी, क्लियर है? यस सर। सुनील जी को डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब ये हो गया हमारा। अब इसमें अगली बात आती है लाइक कमांड की। जैसे कि हमारे पास नेम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि आपका ये महीना ही है, तो कभी शॉर्ट मंथ होता है, कभी फुल मंथ होता है। जैसे मैंने अगर जे यू एल का लिया, तो हो सकता है कि इसमें इसके जगह पे कोई जुलाई भी हो। तो फिर अगर मैं नॉर्मल सम इफ लगाऊंगा तो जुलाई का टोटल तो नहीं दिखेगा, जे यू एल का दिखेगा, शॉर्ट फॉर्म का ही दिखेगा। अब यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाइक कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लाइक कमांड मतलब कि मैं दोनों तरफ स्टार लगा दूंगा। तो ये क्या होगा कि एक कंट्रोल एफ जो फाइन यूज करते हैं ना, उस तरह से वर्क करेगा कि भाई जे यूएल होना चाहिए, चाहे आगे हो या पीछे हो या बीच में हो, कहीं भी जे यूएल तीन करेक्टर होना ही चाहिए, किसी के साथ भी हो तो भी चलेगा। अगर मैंने यहां पे स्टार लगा दिया, लिखा जे यू एल, इसका मतलब है कि एंड जे यूएल से होना चाहिए, इसके आगे हो सकता है कि मंथ जे यूएल या फिर पीरियड जे यूएल, कुछ ऐसा हो सकता है।
लेकिन मैंने लिखा जे यू एल और स्टार लगा दिया, इसका मतलब है कि मंथ जुलाई होगा, चाहे जे यू एल शॉर्ट फॉर्म हो या जुलाई पूरा लिखा, मतलब कि तीन लेटर जे यू फर्स्ट तीन लेटर एग्जैक्ट मैच करने ही चाहिए, तभी आपका सम में कंसीडर होगा। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि तीन क्या करेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि कहीं पे तीन लेटर का डी 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 लिखा हुआ है, या हो सकता है तीन लेटर का कोड लिखा हो E22। ये क्या है कि ये हमारे पर्सन नेम नहीं है, ये हमारे वेंडर कोड्स है, क्योंकि हमारे कुछ वेंडर्स भी काम करते हैं, तो हम वेंडर्स का नाम नहीं डालते हैं, वेंडर्स का कोड डालते हैं, और हमें पता है कोड तीन डिजिट का होता है, तो हमें यहाँ तीन लेटर वाले जितने भी है उनकी सैलरी का टोटल करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ वेंडर का सैलरी इतना है। यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन मार्क करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल सम एफ करेंगे, सम एफ, और हम इस पे जाएंगे कॉमा, और हम तीन क्वेश्चन मार्क को लेंगे और फिर जिसका सम करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट आपके सामने, ठीक है सर। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा हुए तो, मतलब कि मुझे जो है वो आईटी का नवंबर महीने की सैलरी का स्पॉट लिखा है, या फिर नवंबर महीने की जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है उसका टोटल करना चाहिए, तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं सम इफ्स। हम इसको लिया और चले गए हम अपने डेटा में यहाँ पे कि मैं पहले डिपार्टमेंट को मैच कर, नहीं सम इफ्स जो होता है उसमें थोड़ा सा अलग होता है, पहले आपको सम रेंज देना होता है कि सम किसका करना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर आपकी क्राइटेरिया वन रेंज कॉमा क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू रेंज क्राइटेरिया टू, और क्राइटेरिया थ्री रेंज एंड क्राइटेरिया थ्री, ऐसे चौथा पांचवा अपना क्राइटेरिया लगाते चले जाइए आपका टोटल आ जाएगा। तो नवंबर महीने में 80,000 से ऊपर का कोई नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ 50,000 कर देता हूँ, हाँ 50,000 वाला है, ठीक है। तो ये सम इफ, तो सम इफ और सम इफ, और सम इफ पे भी सम इफ के ये सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ और है, जैसे सम इफ आपने लगाया ऐसे आपके सामने एवरेज इफ होता है, एवरेज नॉर्मल एवरेज निकालता है, एवरेज इफ जस्ट लाइक सम इफ की किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाव पे आप किसी भी डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं, और एवरेज में भी एवरेज इफ में भी आपके सारे कंडीशन यूज होते हैं जो सम इफ में होते हैं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और हमारे पास सम इफ्स की तरह एवरेज इफ्स भी होता है, और भी लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया एवरेज रेंज क्राइटेरिया वन रेंज क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया टू रेंज क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया थ्री रेंज और क्राइटेरिया थ्री, तो जैसा करेंगे उसी तरह से आपका होगा, ठीक है। मैं गलत लगा दिया, दोबारा बताता हूँ, क्राइटेरिया वन आई टी क्राइटेरिया नहीं ये माफ कीजिए गलत कर दिया, क्राइटेरिया वन एवरेज रेंज हो जाएगा हमारा कॉलम सी बाई सी, फिर हो जाएगा क्राइटेरिया वन रेंज जो कि डिपार्टमेंट है ये आपका क्राइटेरिया वन, देन क्राइटेरिया टू रेंज जो कि मंथ है हमारा, और क्राइटेरिया टू यहाँ हो जाएगा, एंड क्राइटेरिया थ्री रेंज हमारा यहाँ है और क्राइटेरिया हमारा थ्री ये रहा, तो ये लगा उस तरह से काउंट के फॉर्मूले हैं आपके सामने कि काउंट जो कि नंबर काउंट करता है टेक्स्ट काउंट नहीं करेगा, जैसे दो दे इसमें एक ही शो करेगा, काउंट ए
कि कोई भी डेटा फिल होनी चाहिए, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, तो हर चीज को काउंट करता है। फिर आता है काउंट ब्लैंक, जो कि सिर्फ ब्लैंक को सेल को काउंट करता है। ये तो प्री रिकॉर्डेड है भैया, प्री कंडीशंस हो गई। अगर आप चाहते हैं कि कंडीशनल, तो हमारे पास काउंट इफ का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे काउंट करके बताता है। और मैंने इसका यूज तो बहुत किया ही था। और काउंट इफ में भी ये सारे कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा कंडीशंस है तो आप काउंट इफ्स का इस्तेमाल करें, काउंट इफ्स। और हमने बोला कि भाई मार्केटिंग में जाओ, आईटी कर लो, फिर मंथ में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, आईटी को लो, मंथ में जाओ, नवंबर को लो, और सैलरी में इसको लो, काउंट बता देगा। वो बात तीन फॉर्मूला आपने अभी आपको सिखाया, काउंट इफ, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, और काउंट के चार फॉर्मूले, मतलब टोटल 8-10 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया। अब इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं कल कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं इस समय, क्योंकि सम इफ्स का यूज अच्छा खासा होता है हमारी ऑफिशियल लाइफ में। और जब हम सम इफ्स का यूज कर लेंगे, फिर हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आने वाला है मेरे पास। ठीक है सर, एक क्वेरी है जी? सर इसमें अगर मुझे दो एक साथ चाहिए, एचआर एंड मार्केटिंग, एचआर एंड मार्केटिंग, तो फिर आपको दो लगाकर सम करना पड़ेगा। ओके सर, तो इफ एंड कंडीशन लगेगी सर उसमें या नहीं? नहीं, जैसे कि आप सम लग गया ना, इसी में प्लस कर दीजिए, एक और कंडीशन लगा दीजिए। अच्छा, उसमें नहीं लगेगा उस फॉर्म में? उसके है तरीका, एरे है, एरे के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एरे हम आपको आगे बताएंगे अभी। ठीक ठीक है, और कुछ? बस ठीक है। सुनील जी, सुनील जी, डाउट तो नहीं है आपको? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कल हम मिलते हैं सेम क्लास में सेम टाइम पे। ठीक है सर, बात करते हैं आपसे। ओके बाय, गुड नाइट।